वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूंगलेट, जिसको आप वेजिटेबल ऑमलेट भी कह सकते हैं। यानी हमने जब स्ट्रीट स्टाइल मूंगलेट ट्राई किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हमने इसका नाम ही इसलिए डाला है कि ऑमलेट और मूंगलेट। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैंने उनको देखा बनाते हुए, जबकि स्ट्रीट वाले जो हैं वो अपने इंग्रेडिएंट्स नहीं बताते हैं कि वो क्या डालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका बैटर जो है बना हुआ होता है। बट मैंने घर में ट्राई किया इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं मैंने ये एक कप मूंग दाल, धुली हुई मूंग दाल है ये, उसको ओवरनाइट सोक किया है। वैसे 3 to 4 hours भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग बनाना था, तो मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया है और ये अच्छे से सॉफ्ट गल गई है और इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमें इसको भिगोने से पहले 2-3 बार धोना होगा। फिर लिया है मैंने ये हींग, जो आप पीसने के बाद भी डाल सकते हैं। एक हरी मिर्च ली है, 1 inch अदरक लिया है और 1 चम्मच जीरा, जो मैं इसी के अंदर डालने वाली हूं, और फ्लेवर यकीन मानिए बहुत अच्छा आता है। तो हम सबसे पहले इसको ग्राइंड करेंगे। हम इसमें दाल डालेंगे, पानी हमें बहुत कम डालना है, थोड़ा सा पानी इसी के अंदर है, उसी से हम पीसने की कोशिश करेंगे। दाल को हम जो है वो रुक रुक कर चलाएंगे। तो ये दाल डल गई है और अब हम इसमें ये जीरा, ये अदरक और हरी मिर्च ये डाल देंगे। आप ट्राई करके बताइएगा कि कैसा बना, क्योंकि जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और ये डालेंगे हम इसमें हींग, ये वाला हींग थोड़ा दरदरा आता है तो इसी में ये पिस जाएगा। तो ये मैं 2 inch के करीब डाल रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये फायदा करता है। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हम इसको अब रुक रुक कर चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा रुक कर, और जितना थोड़ा पानी डालने की जरूरत होगी तब हम डालेंगे। आप देखिए ये इस तरह से पिसना शुरू हो गई है। मूंग दाल थोड़ा जल्दी पिस जाती है। ये देखिए जीरा और इसका फ्लेवर, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हरी मिर्च मैंने बाद में भी डाली है काट के, तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये बहुत परफेक्ट जो है पिस गया है, बिल्कुल अच्छा है। 1 cup हमने लिया है, इसको अब मैं 2 भाग में डिवाइड करूंगी। आधा एक पोर्शन में डालेंगे और आधा एक बाउल में डालेंगे, मतलब एक पोर्शन एक बाउल में और एक पोर्शन एक बाउल में। हम ये 2 बनाने वाले हैं, इसी तरह से हम ये पूरी दाल पीस लेंगे। 1 tablespoon पानी डालकर मैंने इसको एक बार और चलाया है, क्योंकि वो थोड़ा दरदरा था, और अब ये परफेक्ट है। देखिए अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। तो ये देखिए हाफ मैंने ये ले लिया है और जीरा पिसा हुआ दिख रहा है आपको, हल्की हरी मिर्च है, तो ये बहुत अच्छा बैटर है। अब हम शुरू करते हैं। तो हाफ दाल हमने इसमें निकाल ली है, ये देखिए, और इसके अंदर मैं अब डाल रही हूं थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और ये डालेंगे हम 1 छोटी प्याज कटी हुई, आधी शिमला मिर्च छोटी ही थी, 1 green chili, जबकि मैंने ग्रीन चिली इसमें भी डाली है बट थोड़ी सी मैं डाल रही हूं, और ये कटा हुआ धनिया थोड़ा सा, ये सब हम इसमें डाल देंगे। बहुत यम्मी लगता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। कॉर्न भी डालते हैं इसमें, कोई भी सब्जी डाल सकते हैं बट मैं कॉर्न नहीं डाल रही हूं। ये सब सामान इसमें डाल देंगे। नमक हमने डाल दिया है, ये हमने बटर इसको सेकने के लिए रखा है, इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए कलरफुल लग रहा है। और इसी समय पे मैं इसमें 1 teaspoon सूजी डाल दूंगी, केवल 1 teaspoon डालनी है बस ये, और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब क्योंकि हमारा ये बनने के लिए मिश्रण जो है वो बिल्कुल तैयार है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ इनो। हालांकि जो वो स्ट्रीट स्टाइल जो बनाते हैं वो नहीं बताते कि इसमें क्या डाल रहे हैं, बट मैंने इनो से ट्राई किया तो मेरा बहुत अच्छा बना। ये है 1/2 teaspoon मेजरिंग टीस्पून इनो ले लिया है हमने। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी,
बहुत ही नाम मात्र के लिए, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। कि थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे और बहुत हल्के हाथ से हम इसको चलाएंगे, बहुत हल्के हाथ से ऐसे इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये बना है। और इधर गैस पर हमने रख दिया है पैन, पैन गरम हो गया है और ये डाल रहे हैं हम इसमें बटर और थोड़ा सा 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें ऑयल, ताकि ये बटर जो है वो जले नहीं। आप कंप्लीट बटर में भी बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको सारा फैला लेंगे और बिना देरी करते हुए हम ये मिश्रण जो है वो इसमें डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा ऐसे हल्का सा फैला देंगे, हल्के हाथ से थोड़ा सा ऐसे टैप कर देंगे, चारों तरफ से गोल आ जाइए। और 1 कप दाल में सोचिए आपके ये 2 मूंगलेट बन जाते हैं बड़े साइज के। और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे, कवर कर देंगे 2 to 3 मिनट्स। ढकने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऊपर से भी डाल दूंगी, वैसे अंदर हमने डाली है। और इसको अब कवर करेंगे। ये 3 मिनट के करीब हो गई है और ये देखिए कितना फ्लफी और कितना बढ़िया ये बना है। अभी हम और इसको खुला ही सिकने देंगे, अच्छे से ऊपर से भी ये सिक जाए, कलर चेंज हो जाए, तब देखेंगे। ये देखिए ऊपर से चेंज हो गया ना, तो अब हम इसमें ये थोड़ा सा बटर ऐसे हल्का सा ऊपर से डालेंगे। बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये वेज लोगों का आमलेट है, वेज आमलेट। अब हम इसको बहुत ध्यान से देखिए ऐसे बहुत जल्दी से इसको पलटेंगे। ये देखिए परफेक्ट, कितना अच्छा क्रिस्पी बना है। और बहुत खुशी होती है ये बना के कि हम इतना अच्छा ये बना पा रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से सिकने देंगे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। इसको भी 2-3 मिनट हो गई हैं इधर से सिकते हुए। और ये देखिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल जैसे मार्केट वाले करते हैं ना, जैसे स्ट्रीट स्टाइल वाले ऐसे हिलाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये बन गया है। हमने ये साइड देखी है, इसकी छूट गई है। अब हमने इसमें पलटे में थोड़ा सा इधर ऑयल या बटर लगा लिया है। अब हम बिल्कुल स्ट्रीट वालों की तरह से ही इसको कट करेंगे। ये देखिए बहुत फ्लफी, बहुत ही अच्छा। और इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर, आपके शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा जा रहा है, जीरा है, अदरक है। ये देखिए ऐसे कट लगाएंगे हम। अभी अंदर से सिकना बाकी है, तो अब हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ही जैसे वो लोग करते हैं वैसे ही हम करने वाले हैं। ये देखिए अच्छे से कट लग गए हैं। अब हम डालेंगे इसके ऊपर से थोड़ा सा बटर, जहां जहां ये बीच में स्लिट है वहां हम ऐसे बटर डाल देंगे, जिससे ये जो कच्चापन है हल्का सा वो भी इसका अच्छे से सिक जाएगा। ट्राई जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। ये देखिए परफेक्ट, बस हमें इसे पेशेंस के साथ सेकना है। तो अब ये दोनों तरफ से सिक गया है। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह जैसे स्ट्रीट पर वो लोग बनाते हैं। तो यानी अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है ये खाने के लिए, आप घर में ट्राई कर सकते हैं। दोनों तरफ से मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए अच्छे से सिक गया है और ये बहुत यम्मी रेसिपी है। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। और ये बहुत अच्छे से देखिए उतर भी रहा है, तो इसकी प्लेटिंग करते हैं और कोशिश करते हैं सर्व करने की ठीक से ही प्लेट में आ जाए। गर्मा गर्म मूंगलेट तैयार है। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये देखिए बहुत परफेक्ट। और मैं यहां आपको दिखाऊं, ये देखिए दोनों साइड से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए जाली पड़ी हुई है क्योंकि हमने सूजी डाली है, तो बहुत टेस्टी लगने वाला है।
और उसी तरह से हम मिंट चटनी रखते हैं, और ये अपनी मीठी चटनी है इमली वाली, और इसके साथ आपको सर्व करते हैं। तो जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।